हेलो गाइस, वेलकम टू टैलेंट स्काउट एकेडमी। आज की वीडियो में हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाने वाले कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चनों को विद आंसर देखेंगे। हम मोस्टली उन क्वेश्चनों को देखेंगे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, कंप्यूटर में उपयोग आने वाली आईसी चिप किससे बनी होती है। तो कंप्यूटर में जो उपयोग होने वाली आईसी चिप होती है वो मोस्टली सिलिकॉन से बनी होती है। तो आईसी चिप सिलिकॉन की बनी होती है। दूसरा क्वेश्चन है, भारत में सिलिकॉन वैली कहाँ स्थित है। तो बेंगलुरु को भारत का सिलिकॉन वैली भी कहा जाता है। तो आईसी चिप सिलिकॉन से बनी होती है और सिलिकॉन वैली को हम बेंगलुरु कहते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, विश्व में सर्वाधिक कंप्यूटर वाला देश कौन सा है। तो विश्व में सर्वाधिक कंप्यूटर वाला देश यूएसए है, संयुक्त राज्य अमेरिका। चौथा क्वेश्चन है, सबसे पहले आधुनिक कंप्यूटर की खोज कब हुई। तो सबसे पहले आधुनिक कंप्यूटर की खोज 1946 में हुई थी। पांचवा क्वेश्चन है हमारा, वह हार्डवेयर डिवाइस कौन सी है जिसे आमतौर पर कंप्यूटर का ब्रेन कहते हैं। तो जो सीपीयू होता है वो हार्डवेयर डिवाइस का ब्रेन कहलाता है। सीपीयू को हार्डवेयर डिवाइस का हम ब्रेन कहते हैं। ये सीपीयू हार्डवेयर डिवाइस का ब्रेन इसलिए होता है क्योंकि कंप्यूटर का सबसे मेन पार्ट होता है, इसलिए सीपीयू हार्डवेयर डिवाइस का ब्रेन होता है। छठा क्वेश्चन है, कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग क्या होता है। कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग उसका सीपीयू होता है क्योंकि ये हार्डवेयर डिवाइस का ब्रेन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर में किसी शब्द की लंबाई किस में मापते हैं। तो कंप्यूटर में किसी भी शब्द की लंबाई को हम बिट में मापते हैं। आठवां क्वेश्चन है, 1024 बाइट कितने के बराबर होता है। तो 1024 बाइट 1 KB के बराबर होता है। KB को हम किलोबाइट भी बोलते हैं। तो 1024 बाइट 1 KB के बराबर होता है। नौवां क्वेश्चन है, मेमोरी शब्द किससे संबंधित है। तो देखिए, कोई भी डाटा अगर हम सेव करते हैं तो मेमोरी में सेव होती है, इसलिए इसको हम स्टोरेज बोलते हैं। तो मेमोरी शब्द स्टोरेज से संबंधित है। दसवां क्वेश्चन हमारा, सर्वाधिक शक्तिशाली कंप्यूटर कौन सा है। तो अब तक का सबसे अधिक शक्तिशाली कंप्यूटर है सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर सबसे ज़्यादा शक्तिशाली कंप्यूटर होता है। ग्यारहवां क्वेश्चन है, डिजिटल कंप्यूटर किस सिद्धांत पे कार्य करता है। तो जो डिजिटल कंप्यूटर होता है वो मोस्टली काउंटिंग प्रिंसिपल पर काम करता है। काउंटिंग प्रिंसिपल जिसको हम हिंदी में गणना कहते हैं, गणना पद्धति पर वो काम करता है। तो डिजिटल कंप्यूटर काउंटिंग प्रिंसिपल पर काम करता है। बारहवां क्वेश्चन है, सर्वाधिक तेज गति का प्रिंटर कौन है। तो सबसे तेज गति वाला जो प्रिंटर है उसे हम लेजर प्रिंटर कहते हैं। लेजर प्रिंटर सबसे तेज गति का प्रिंटर होता है। तेरहवां क्वेश्चन है हमारा, फोर्ट्रॉन, एल्गोल और पास्कल आदि भाषाओं को सीखने के लिए किस भाषा को नींव का पत्थर कहा जाता है। तो फोर्ट्रॉन, एल्गोल और पास्कल भाषा को सीखने के लिए हमें बेसिक लैंग्वेज आना जरूरी है। बेसिक लैंग्वेज को ही हम नींव का पत्थर कहते हैं। अगर हमें फोर्ट्रॉन, एल्गोल और पास्कल भाषा को सीखना है तो हमें बेसिक भाषा पहले सीखनी होगी, इसलिए इसको नींव का पत्थर भी कहा जाता है। चौदहवां क्वेश्चन है हमारा, किसी प्रोग्राम में बग क्या होता है। देखिए, बग एक प्रकार का एरर होता है जो कंप्यूटर में होता है। तो कंप्यूटर में बग का मतलब होता है एरर। पंद्रहवां क्वेश्चन है, रैम का कंप्लीट नाम क्या है। रैम का कंप्लीट नाम है रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी रैम का पूरा नाम है। अगला क्वेश्चन है, सीपीयू का क्या अर्थ है या सीपीयू का कंप्लीट नाम क्या है, सीपीयू की फुल फॉर्म क्या है। तो सीपीयू को हम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट भी कहते हैं। सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट ये इसका नाम है। अगला क्वेश्चन हमारा, CAD का क्या अर्थ है या CAD का पूरा नाम क्या है। तो CAD को हम कंप्यूटर एडेड डिजाइन कहते हैं। C फॉर कंप्यूटर, A फॉर एडेड और D फॉर डिजाइन। तो CAD कंप्यूटर एडेड डिजाइन है। अठारहवां क्वेश्चन हमारा, कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है। कंप्यूटर साक्षरता दिवस हर साल 2 दिसंबर को मनाया जाता है। 19वां क्वेश्चन हमारा, कंप्यूटर में KB का क्या मतलब होता है। कंप्यूटर में KB को हम किलोबाइट बोलते हैं। KB मीन्स किलोबाइट।
20वां क्वेश्चन है, भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का नाम क्या है? तो भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का नाम है सिद्धार्थ। सिद्धार्थ भारत में निर्मित पहला कंप्यूटर है। 21वां क्वेश्चन हमारा, WWW के आविष्कारक तथा संस्थापक कौन है? तो टीम बर्नर्स-ली को हम WWW के आविष्कारक और संस्थापक के रूप में जानते हैं। टीम बर्नर्स-ली WWD के आविष्कारक और संस्थापक हैं। 22वां क्वेश्चन है हमारा, भारत में विकसित परम सुपर कंप्यूटर का विकास किस संस्था ने किया? भारत में परम सुपर कंप्यूटर का विकास सीडेक संस्था ने किया। सीडेक नहीं, परम सुपर कंप्यूटर का विकास किया था। 23वां क्वेश्चन है, भारत में सबसे पहले दिखाई देने वाला कंप्यूटर वायरस का नाम क्या है? तो भारत में सबसे पहले जो कंप्यूटर वायरस दिखाई दिया उसको सी ब्रेन का नाम दिया गया। तो सी ब्रेन भारत में सबसे पहले दिखाई देने वाला कंप्यूटर वायरस है। 24वां क्वेश्चन है हमारा, अनुपम क्या है? देखिए अनुपम एक सुपर कंप्यूटर है, तो अनुपम हमारा एक सुपर कंप्यूटर है। 25वां क्वेश्चन देखिए, WWW का पूरा नाम क्या है? तो WWW का पूरा नाम वर्ल्ड वाइड वेव है, तो WWW को हम वर्ल्ड वाइड वेव भी कहते हैं। 26वां क्वेश्चन है, ओरेकल क्या है? देखिए ओरेकल एक डेटाबेस सॉफ्टवेयर है, ये एक प्रकार का डेटाबेस सॉफ्टवेयर है जिसका नाम है ओरेकल, तो ओरेकल एक डेटाबेस सॉफ्टवेयर है। 27वां क्वेश्चन है, कंप्यूटर का पितामह किसे कहा जाता है? तो कंप्यूटर का जो पितामह है उन्हें चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का पितामह कहा जाता है। 28वां क्वेश्चन है, ईमेल का जन्मदाता किसे माना जाता है? ईमेल का जन्मदाता किसे माना जाता है? तो ईमेल के जन्मदाता रे टॉमलिंसन है, रे टॉमलिंसन ईमेल के जन्मदाता माने जाते हैं। 29वां क्वेश्चन है, याहू गूगल और MSN क्या है? देखिए याहू गूगल और MSN एक इंटरनेट साइट है, याहू भी इंटरनेट साइट है, गूगल और MSN ये तीनों की तीनों एक इंटरनेट साइट है। 30वां क्वेश्चन है हमारा, क्रे क्या है? क्रे एक प्रकार का सुपर कंप्यूटर है, तो क्रे एक सुपर कंप्यूटर है। 31वां क्वेश्चन है हमारा, LCD का पूरा नाम क्या है? तो LCD को हम लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले बोलते हैं, L फॉर लिक्विड, C क्रिस्टल और D फॉर डिस्प्ले, तो LCD का पूरा नाम लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले है। 32वां क्वेश्चन है, 10 लाख बाइट्स लगभग कितने के बराबर होता है? तो 10 लाख बाइट्स एक मेगाबाइट के बराबर होता है, 10 लाख बाइट्स मिलके एक मेगाबाइट्स बनता है। 33वां क्वेश्चन है, पहली कंप्यूटर भाषा कौन सी विकसित की गई थी? तो देखिए सबसे पहले जो कंप्यूटर भाषा विकसित की गई थी उसका नाम था फोर्ट्रन। फोर्ट्रन कंप्यूटर की सबसे पहली विकसित भाषा है। 34वां क्वेश्चन है, भारत में सुपर कंप्यूटर परम का निर्माण कहाँ हुआ? भारत में सुपर कंप्यूटर परम का निर्माण पुणे में किया गया था, पुणे में ही परम कंप्यूटर का निर्माण किया गया था। 35वां क्वेश्चन है, सुपर कंप्यूटर के लिए शब्द लंबाई की रेंज कितनी होती है? तो सुपर कंप्यूटर में शब्द की जो लंबाई होती है उसकी रेंज होती है 64 बिट तक सुपर कंप्यूटर में शब्द की लंबाई की रेंज होती है। 36वां क्वेश्चन है, कौन सा पार्ट कंप्यूटर का ब्रेन है? तो रोम को हम कंप्यूटर का ब्रेन कहते हैं। क्वेश्चन है, कौन सा पार्ट कंप्यूटर का ब्रेन है? तो रोम को हम कंप्यूटर का ब्रेन कहते हैं, और जो हमारा हार्डवेयर डिवाइस होता है उसमें CPU को उसका ब्रेन कहा जाता है। 1000 मेगाबाइट कितना होता है? तो 1000 मेगाबाइट 1 गीगाबाइट के बराबर होता है, तो 1000 मेगाबाइट को हम 1 गीगाबाइट कहते हैं। 38वां क्वेश्चन है, कंप्यूटर के मुख्य सिस्टम बोर्ड को क्या कहते हैं? तो देखिए कंप्यूटर का जो मुख्य सिस्टम बोर्ड होता है उसको हम कहते हैं मदरबोर्ड। 39 क्वेश्चन है, उस यंत्र का नाम बताइए जो कंप्यूटर को टेलीफोन लाइन से जोड़ता है। तो जो कंप्यूटर को टेलीफोन लाइन से जोड़ता है उसे हम मॉडेम कहते हैं। मॉडेम ही वो यंत्र है जो कंप्यूटर को टेलीफोन लाइन से जोड़ता है। 40वां क्वेश्चन है, DOS का पूरा नाम क्या है?
डीओएस का पूरा नाम है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम डॉस का पूरा नाम है। 41 क्वेश्चन है, लैन का पूरा नाम क्या है, एल ए एन का पूरा नाम क्या है, तो एल ए एन का पूरा नाम है लोकल एरिया नेटवर्क, एल फॉर लोकल, ए फॉर एरिया और एन फॉर नेटवर्क। 42 क्वेश्चन है, ईमेल का पूरा नाम क्या है, तो ईमेल का पूरा नाम है इलेक्ट्रॉनिक मेल, ई फॉर इलेक्ट्रॉनिक और मेल, तो ईमेल को हम इलेक्ट्रॉनिक मेल कहते हैं। 43 क्वेश्चन है हमारा, एच टी एम एल का पूरा नाम क्या है, तो एच टी एम एल का पूरा नाम हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है, एच फॉर हाइपर, टी टेक्स्ट, एम फॉर मार्कअप और एल फॉर लैंग्वेज, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज एच टी एम एल का पूरा नाम है। 44 क्वेश्चन है, ब्लॉग किन दो शब्दों से मिलकर बना है, तो देखिए ब्लॉग वेब ब्लॉग से मिलकर बना है, इन दो शब्द से मिलकर वेब ब्लॉग से मिलकर ब्लॉग शब्द का निर्माण हुआ है। अगला क्वेश्चन है, ओसीआर का पूरा नाम क्या है, ओसीआर का पूरा नाम है ऑप्टिकल करेक्टर रिकॉग्निशन, ऑप्टिकल करेक्टर रिकॉग्निशन ओसीआर का पूरा नाम है। 46 क्वेश्चन देखिए, पहले से ऑन कंप्यूटर को रिस्टार्ट करने को क्या कहते हैं, अगर कोई कंप्यूटर पहले से ही ऑन है और अगर हम उसे रिस्टार्ट करते हैं तो उसे क्या बोला जाता है, उसे हम बोलते हैं वार्म बूटिंग। वार्म बूटिंग पहले से ऑन कंप्यूटर को रिस्टार्ट करने की प्रक्रिया का नाम है। 47 क्वेश्चन है, सबसे पहले कंप्यूटर का क्या नाम था, सबसे पहले कंप्यूटर का नाम था एनिक, एनिक सबसे पहले बनाए कंप्यूटर का नाम था। 48 क्वेश्चन है, कंप्यूटर का हिंदी नाम क्या है, तो कंप्यूटर को हिंदी में हम संगणक कहते हैं, इसका हिंदी नाम है संगणक। अगला क्वेश्चन देखिए, 49, 1 मेगाबाइट कितने बाइट के बराबर होता है, तो 1 मेगाबाइट 1024 किलोबाइट के बराबर होता है, यानी कि 1024 KB 1 मेगाबाइट के बराबर होता है। 50वां क्वेश्चन है, 1 गीगाबाइट कितने बाइट के बराबर होता है, तो 1 गीगाबाइट 1024 MB के बराबर होता है, 1024 MB 1 गीगाबाइट के बराबर होता है। 51 क्वेश्चन है, HTTP का पूरा नाम क्या है, HTTP, तो देखिए HTTP का पूरा नाम है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल को हम HTTP बोलते हैं, H फॉर हाइपर, T टेक्स्ट, T ट्रांसफर और P फॉर प्रोटोकॉल। 52 क्वेश्चन है, कंप्यूटर में सबसे ज़्यादा प्रोसेसिंग किसमें होती है, तो देखिए कंप्यूटर में सबसे ज़्यादा प्रोसेसिंग CPU में होती है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में सबसे ज़्यादा प्रोसेसिंग होती है। 53 क्वेश्चन है, माइक्रो प्रोसेसर जो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है उसे क्या कहते हैं, माइक्रो प्रोसेसर जो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है उसे हम माइक्रोचिप कहते हैं, माइक्रोचिप, माइक्रो प्रोसेसर कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है। 64 क्वेश्चन है, इनपुट का आउटपुट में ट्रांसफर किया जाता है, इसके द्वारा इनपुट का आउटपुट में ट्रांसफर किया जाता है, तो हमारा आंसर है CPU, CPU के द्वारा ही हम इनपुट को आउटपुट में ट्रांसफर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विश्व का सबसे पहला कंप्यूटर कब बना, तो विश्व में सबसे पहला कंप्यूटर 1976 में बना, विश्व का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर 1976 में बनाया गया था। 66 क्वेश्चन है, डॉट मैट्रिक्स किस उपकरण की किस्म है, यानी कि डॉट मैट्रिक जो है वो प्रिंटर की उपकरण की एक किस्म है, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर से रिलेटेड है। 67 क्वेश्चन है, कीबोर्ड में फंक्शन की संख्या कितनी होती है, तो किसी भी कीबोर्ड में फंक्शन की संख्या होती है 12, के 12 फंक्शन की होती है, हर कीबोर्ड में 12 फंक्शन कीबोर्ड होते हैं। 68 क्वेश्चन है, किस प्रिंटर द्वारा एक स्ट्रोक में एक अक्षर प्रिंट होता है, लाइन प्रिंटर में एक स्ट्रोक में केवल एक ही अक्षर प्रिंट होता है, तो लाइन लाइन प्रिंटर ऐसा होता है जिसमें केवल एक स्ट्रोक में एक अक्षर प्रिंट होता है। 69 क्वेश्चन है, ईमेल से जुड़ी फाइल को जो ईमेल प्राप्त करने वाले को दी जाती है उसे क्या कहते हैं, तो ईमेल से जुड़ी फाइल को अगर हम ईमेल से
प्राप्त करने वाले को अगर हम देते हैं तो उसे हम कहते हैं अटैचमेंट। तो अटैचमेंट जो होती है वो होती है ईमेल से जुड़ी फाइल को ईमेल प्राप्त करने वाले को दी जाती है, उसे हम कहते हैं अटैचमेंट। 70 क्वेश्चन है, कंट्रोल शिफ्ट और अल्ट को कौन सी कीज कहते हैं? तो देखिए कंट्रोल शिफ्ट और ऑल्ट को हम मॉडिफायर कहते हैं, मॉडिफायर कंट्रोल शिफ्ट और ऑल्ट की कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बाइट कितने का बना होता है? देखिए एक बाइट 8 बाइनरी डिजिट्स का बना होता है जिसे हम बोलते हैं 8 द्विआधारी अंकों का, 8 द्विआधारी अंकों यानी कि 8 बाइनरी डिजिट्स का एक बाइट बना होता है। 72 क्वेश्चन है, पीसी एक्स वाई का अर्थ क्या है, यानी पीसी और एक्स वाई की फुल फॉर्म क्या है? तो पीसी हमारा होता है पर्सनल कंप्यूटर, एक्स वाई का मतलब एक्सटेंडेड टेक्नोलॉजी। पीसी एक्स वाई को हम पर्सनल कंप्यूटर एक्सटेंडेड टेक्नोलॉजी बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, डीटीपी का पूरा नाम क्या है? तो देखिए डीटीपी का पूरा नाम है डेस्कटॉप पब्लिशिंग, डी फॉर डेस्क, टी टॉप और पी फॉर पब्लिशिंग, तो डीटीपी को हम डेस्कटॉप पब्लिशिंग कहते हैं। 74 क्वेश्चन है, एक निबल कितने बिट्स के बराबर होता है? तो एक निबल में 4 बिट्स होते हैं, 4 बिट्स एक निबल के इक्वल होता है। 75 क्वेश्चन है हमारा, एल्टा और विस्टा क्या है? तो एल्टा और विस्टा एक प्रकार का सर्च इंजन है जिस पे हम सर्च करते हैं, तो एल्टा और विस्टा एक प्रकार का हमारा सर्च इंजन होता है। 76 क्वेश्चन है, सबसे बड़ा कंप्यूटर नेटवर्क कौन सा है? तो इंटरनेट को सबसे बड़ा कंप्यूटर नेटवर्क माना जाता है। 77 क्वेश्चन है, कंप्यूटर वायरस कैसा प्रोग्राम होता है? तो देखिए कंप्यूटर जो वायरस होता है वो एक प्रकार का डिस्ट्रक्टिव प्रोग्राम होता है, तो कंप्यूटर वायरस एक प्रकार का डिस्ट्रक्टिव प्रोग्राम होता है। 78 क्वेश्चन, कंप्यूटर को बंद करने की प्रक्रिया को शटडाउन कहते हैं, चालू करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? अगर कंप्यूटर को हम बंद करते हैं तो उसे हम शटडाउन कहते हैं, पर अगर कंप्यूटर को चालू किया जाए तो उसे क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं बूट। तो बूट होता है कंप्यूटर को स्टार्ट करने की प्रक्रिया। 79 क्वेश्चन है, कंप्यूटर के क्षेत्र में महान क्रांति कब आई? 1960 में कंप्यूटर के क्षेत्र में महान क्रांति आई थी। 80 क्वेश्चन है, स्टैंडर्ड कीबोर्ड में कितने बटन और कितने फंक्शन कीज होते हैं? तो देखिए 12 तो फंक्शंस की होते हैं और 101 बटन होते हैं, तो स्टैंडर्ड कीबोर्ड में 101 बटन और 12 फंक्शन कीज होते हैं। 81 क्वेश्चन है, कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं? तो कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं, ये 3 प्रकार के होते हैं, डिजिटल, एनालॉग और हाइब्रिड। 3 प्रकार के कंप्यूटर होते हैं, डिजिटल, एनालॉग और हाइब्रिड। 82 क्वेश्चन है, असेंबलर का क्या कार्य होता है? देखिए असेंबलर का काम होता है कि असेंबलिंग भाषा को यंत्र भाषा में बदलना, यानी कि असेंबलिंग भाषा को मशीनी भाषा में बदलना, उसका काम होता है असेंबलर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनल स्टोरेज किस प्रकार का स्टोरेज है? तो जो इंटरनल स्टोरेज होता है इसको हम प्राइमरी स्टोरेज भी बोलते हैं, तो इंटरनल स्टोरेज एक प्रकार का प्राइमरी स्टोरेज होता है। 84 क्वेश्चन है, स्लाइड शो बनाने के लिए किस एप्लीकेशन का प्रयोग किया जाता है? तो स्लाइड शो बनाने के लिए हम पावर पॉइंट का प्रयोग करते हैं। 85 क्वेश्चन है, टास्क बार कहाँ स्थित होता है? तो टास्क बार जो होता है वो स्क्रीन के बॉटम पर स्थित होता है, स्क्रीन का जो बॉटम होता है वहाँ पर टास्क बार स्थित होता है। 86 क्वेश्चन है, उच्च स्तरीय भाषा का विकास किसने किया? कंप्यूटर में उच्च स्तरीय भाषा का विकास IBM कंपनी ने किया था, IBM एक कंपनी है जिसने कंप्यूटर में उच्च स्तरीय भाषा का विकास किया था। 87 क्वेश्चन है, MS वर्ड डॉक्यूमेंट्स में दूसरी लाइन में जाने के लिए किस की का प्रयोग होता है? तो MS वर्ड में अगर हमें डॉक्यूमेंट्स में दूसरी लाइन में जाना हो तो हम इंटर कीज का प्रयोग करते हैं, इंटर कीज से हम डॉक्यूमेंट्स की दूसरी लाइन में जाते हैं। 89 क्वेश्चन है, कंप्यूटर का पूरा नाम क्या है? तो कंप्यूटर का पूरा नाम है C फॉर कॉमनली, O फॉर ऑपरेटेड, M फॉर मशीन, P फॉर पर्टिकुलरली, यूज्ड फॉर टेक्नोलॉजी, एजुकेशन एंड रिसर्च। तो कंप्यूटर का पूरा नाम है कॉमनली, ऑपरेटेड, मशीन, पर्टिकुलरली,
यूज्ड फॉर टेक्नोलॉजी एजुकेशन एंड रिसर्च। 90 क्वेश्चन है हमारा, आधुनिक डिजिटल कंप्यूटर में किस पद्धति का प्रयोग किया जाता है? तो जो आधुनिक डिजिटल कंप्यूटर है उसमें हम द्वि आधारी अंक पद्धति, जिसे हम बाइनरी डिजिट सिस्टम भी कहते हैं, बाइनरी डिजिट सिस्टम भी कहते हैं, उसका प्रयोग किया जाता है। तो आधुनिक कंप्यूटर में हम द्वि आधारी या बाइनरी डिजिट सिस्टम का प्रयोग करते हैं। 91 क्वेश्चन है, भारत का प्रथम कंप्यूटर कहाँ पर लगाया गया? तो भारत में सबसे पहले जो कंप्यूटर था वो बेंगलोर के प्रधान डाकघर में लगाया गया था। 92 क्वेश्चन है, कंप्यूटर का भौतिक बनावट क्या कहलाता है? जो उसकी फिजिकल बनावट होती है उस क्या कहलाती है? तो कंप्यूटर की जो भौतिक बनावट होती है उसको हम हार्डवेयर बोलते हैं। 93 क्वेश्चन है, मॉनिटर का अन्य नाम क्या है? तो मॉनिटर का अन्य नाम है VDU, विजुअल डिस्प्ले यूनिट। तो मॉनिटर को हम विजुअल डिस्प्ले यूनिट भी बोलते हैं। 94 क्वेश्चन है, कंप्यूटर नेटवर्क से संपर्क जोड़ने की प्रक्रिया को और संपर्क तोड़ने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? यदि हमें कंप्यूटर से संपर्क, नेटवर्क से संपर्क करना है तो उसको हम कहते हैं लॉगिन, और संपर्क तोड़ने की प्रक्रिया को कहते हैं लॉग आउट। तो लॉगिन से हमारा कंप्यूटर नेटवर्क का संपर्क होता है और लॉग आउट से कंप्यूटर नेटवर्क का संपर्क टूट जाता है। 95 क्वेश्चन हमारा, यू आर एल क्या होता है? यू आर एल क्या होता है? यू आर एल WWW वर्ल्ड वाइड वेब पर डॉक्यूमेंट्स या पेज का एड्रेस होता है। तो यू आर एल वर्ल्ड वाइड वेब पर डॉक्यूमेंट्स या फिर पेज का एड्रेस होता है। 96 क्वेश्चन है हमारा, कंप्यूटर भाषा फोर्ट्रन किस क्षेत्र में उपयोगी है? तो फोर्ट्रन भाषा जो होती है वो साइंस के फील्ड में, यानी कि विज्ञान के क्षेत्र में काफ़ी उपयोगी होती है। 97 क्वेश्चन है, कंप्यूटर में प्रोग्राम की सूची को क्या कहते हैं? तो देखिए, कंप्यूटर में जो प्रोग्राम की जो सूची होती है, जो लिस्ट होती है, उसको हम कहते हैं मेन्यू। मेन्यू जो होती है कंप्यूटर में प्रोग्राम की सूची होती है। 98 क्वेश्चन है, ट्रैक बॉल किसका उदाहरण है? तो देखिए, ट्रैक बॉल पॉइंटिंग डिवाइस का एक एग्जाम्पल है। ट्रैक बॉल पॉइंटिंग डिवाइस का एक एग्जाम्पल होता है। 99 क्वेश्चन है, बाइनरी नंबर प्रणाली में कौन सी संख्या का प्रयोग होता है? तो कंप्यूटर में जो बाइनरी नंबर प्रणाली है, सिस्टम है, वो 0 और 1 का ही प्रयोग किया जाता है। तो बाइनरी नंबर प्रणाली में 0 तथा 1 का प्रयोग होता है। लास्ट क्वेश्चन हमारा, हार्ड डिस्क की गति किसमें मापी जाती है? तो देखिए, हार्ड डिस्क की जो गति होती है उसको हम RPM में मापते हैं। आर मीन्स रेवोल्यूशन पर मिनट, रेवोल्यूशन पर मिनट यानी कि RPM में हार्ड डिस्क की गति को मापा जाता है। तो इस प्रकार ये कंप्यूटर से रिलेटेड कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो मोस्टली कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए।